हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा से कहता हूँ, फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिलते रहेंगे। मैं ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करता ही रहता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद कोशिश करूँगा वीडियो बना के उसका आंसर आपको देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस पे एक पोस्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, आपको पता नहीं है वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे लिखते हैं, वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। वर्डप्रेस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर का भी बहुत सारा ट्यूटोरियल है, यहाँ पे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्लॉगर का ब्लॉगर टिप्स बोल के एक प्लेलिस्ट है। अगर आपका ब्लॉगर में वेबसाइट है, ब्लॉगर में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। ब्लॉगर सेटिंग कैसे करना है, एसईओ सेटिंग कैसे करना है, यहाँ पे सब टिप्स आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको एक पोस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप कुछ लिख सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी बना। मैं दोस्तों अपना यूट्यूब का जो वीडियो है यहाँ पे इम्बेड करूँगा, इम्बेड करके वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन टाइटल्स, ठीक है, दूंगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप पोस्ट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई टेंशन की बात नहीं है, ईजी है, बस आपको थोड़ा सा आपको टिप्स फॉलो करना है, ठीक है। बहुत से नए जो बिगनर्स हैं उनको डैशबोर्ड में आने के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या करें। कोई टेंशन नहीं लेना दोस्तों, कोई पैदा होते नहीं सीखता, हमेशा से कहता हूँ। जैसे जैसे आप आस्ते आस्ते ट्यूटोरियल फॉलो करते जाएंगे, आप भी वर्डप्रेस में, जैसे कि ब्लॉगर में बहुत लोगों को पहले नहीं पता था कि ब्लॉगर में पोस्ट कैसे लिखा जाता है, उसका एसईओ कैसे किया जाता है, सेटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत लोगों का ब्लॉगर में वेबसाइट बनाने के बाद में पोस्ट भी लिखे हैं, उसके बाद उनका ट्रैफिक भी आना चालू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह वर्डप्रेस में भी आपको दोस्तों कुछ दिन तक यहाँ पे कंटिन्यू आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है दोस्तों। नया नया आप सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कंसिस्टेंसी रखेंगे, मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कंसिस्टेंसी रखना होगा, ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद में सिंपली आपको इस राइट ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में मैं दोस्तों यहाँ पे एक अपने यूट्यूब का एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँगा, ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यूट्यूब चैनल के नाम से ही मैंने एक वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाया, ठीक है। उसी का वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट करके दिखाऊंगा। आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ब्लॉगर पे मैंने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिया, कहीं पे 800 वर्ड्स का, कहीं पे 600 वर्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं, या सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो आपको एम्बेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मेरा ये पिक कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वीडियो यहाँ से पिक कर लेता हूँ, इसका लिंक मैं यहाँ से, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका जो टाइटल है वो यहाँ से लूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ही ले लेता हूँ, ओके। लेने के बाद में हम फिर से जाएंगे वर्डप्रेस में, तो हम इसको यहाँ से टाइटल बना देंगे, ओके, टाइटल बना देंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अपना वीडियो इम्बेड करेंगे, ओके। यहाँ से डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा, ओके। सिंपली हमको इस प्लस वाले पे जाना है, जाने के बाद में यहाँ पे हमको सिंपली लिख देना है इम्बेड, ओके। आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, मैं इस पर कर देता हूँ, ओके ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो यूट्यूब वीडियो है, यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, ओके, सिंपल कर लिया। उसके बाद में फिर वर्डप्रेस पे जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक कॉपी कर दूँगा, इंटर मारूँगा। मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। सिंपली मुझे इस पर कोई, मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लिखा, बस अपना वीडियो एम्बेड किया है, ठीक है। उसके बाद में फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जाऊँगा, जाने के बाद में फिर इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, ओके। कॉपी करने के बाद फिर जाऊँगा अपने वर्डप्रेस पे, ठीक है। जाने के बाद में नीचे आऊँगा, ओके, यहाँ पे
पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसे यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो, ओके, लाइक 20, 36, इसे 20 में रखता हूँ, ओके। यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ इसे, ओके, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद में फिर यहाँ नीचे आऊँगा, यहाँ पे जो मैंने इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया है, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा, ओके। सो इसे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 36, ये बहुत बड़ा हो गया, 20 में रखता हूँ, इसे भी यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ओके। सो सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल भी लिखना है तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं अपने पोस्ट के ऊपर में, जैसे मैंने ब्लॉगर पे आपको लिखना सिखाया है, ब्लॉगर पे जैसे, ठीक है, सिंपल वही है, बस यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो एडवांस्ड है वो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए पब्लिश ब्लॉग, ओके, यहाँ आपको विजिबिलिटी पब्लिक रखना है, पब्लिश इमीडिएटली रखना है, या आप यहाँ से कुछ देर बात करना चाहते हैं जैसे कि यूट्यूब में हम करते हैं, यहाँ से आप शेड्यूल करना चाहते हैं शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड किया हुआ, ठीक है, मैं यहाँ से वीडियो कर देता हूँ, ओके, या फिर स्टैंडर्ड ही रखिए, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं इसको वीडियो कर देता हूँ, ओके। स्टिक टू द पेज टॉप ऑफ द ब्लॉग, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, सो इसे मतलब कि ये आपके ब्लॉग के हमेशा ऊपर ही शो करेगा, सो इसे आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर दीजिएगा, या ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर दीजिए, मैं इसे ऑन रखता हूँ। पेंडिंग रिव्यू, नो, इसे पेंडिंग रिव्यू भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसे इमीडिएटली पब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको कैटेगरीज जो है, मैं एक न्यू कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है, लाइक वर्डप्रेस, ओके, वर्डप्रेस, ओके। सो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस कैटेगरी ऐड हो गया, ये इसमें चले गया, ठीक है, वर्डप्रेस में। और उसके बाद में ऐड न्यू कैटेगरी नेम, यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं, जैसे यूट्यूब में टैग्स देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी सारे टैग्स दिए हुए हैं, ये मैं यहाँ पे, ये जितने भी सारे टैग्स हैं दोस्तों, यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके मैं वहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपको भी दे देना है यहाँ पे जितने भी टैग्स हैं, ओके। चलिए मैं यहाँ से ये सारे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी टैग्स हैं वो तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी टैग्स हैं उन सब के बगल में आपको कॉमा दे देना है, ओके। जैसे कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे कॉमा दे देना है, ओके। सो आपका ये टैग यहाँ पे ऐसा, ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको एक एक टैग देने के बाद में यहाँ पे कॉमा दे देना, ओके, लाइक क्रिएट फॉर फ्री, उसके बाद कॉमा, ओके, इसी तरह करके आपको टैग यहाँ पे लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इसे मैं भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट एंड एक्सेप्शनल ऑप्शन, ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक चलिए इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ओके, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सिंपल है दोस्तों, कोई माथा घुमाने का दरकार नहीं है, बस आपको कुछ टिप फॉलो करने हैं, आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप इस पर काम करते जाइएगा आप इस पर एक्सपर्ट हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम ब्लॉग पे जाएंगे, नथिंग टू हियर, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ओके, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्ट अकाउंट राइट एंड मैसेज फॉर योर ऑडियंस, सो हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, ओके, कॉपी करने के बाद ये चीज़ हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ओके। फिर नीचे आएंगे, आप क्या इसे ट्विटर थ्रेड, मतलब ट्विटर सेटिंग सिंगल ट्विटर में भी आप यहाँ से रीडायरेक्ट, मतलब जैसे ही पोस्ट करेंगे आपका ट्विटर में भी पोस्ट हो जाएगा। मैंने लिंक करके रखा हुआ पहले से ट्विटर में, फेसबुक में, ठीक है, बहुत जगह में मैंने इसे लिंक करके रखा हुआ, इसीलिए ये ऐसे शो कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा कि अपने वर्डप्रेस को कैसे आप ट्विटर फेसबुक से ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा आपका फेसबुक में ऑटोमेटिकली
पोस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसे क्या करता हूँ, सिंगल ट्वीट ही रखता हूँ। ओके, उसके बाद में नीचे आना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सो लाइक्स ऑन कर देना है, सो शेयरिंग बटन इसको भी ऑन कर देना। ओके, इन सब के बारे में भी मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको अपलोड करते ही मिलते रहे। ठीक है, जितनी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं जैसे समझाता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आने के बाद में एवरीथिंग आपको यहाँ से चेक कर लेना, सब ठीक है कि नहीं। ओके, उसके बाद में सिंपली आपको इस पब्लिश पर क्लिक कर देना। ओके, मैं अभी इस पर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैंने टैग तो नहीं लगा, फिर भी पब्लिश कर देता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा पोस्ट पब्लिशिंग हो रहा है। सो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हमारा पोस्ट आ चुका है, वेबसाइट कैसे बना, हाउ टू क्रिएट। ओके, मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। सो अभी यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो तो शो नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, सो एक बार सेटिंग में चलते हैं, कस्टमाइज में चलते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने सेटिंग करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है, पर उसके बाद भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कंटेंट ऑप्शन में जाएंगे, फुल पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ से देखिए अब शायद हमारा वीडियो शो करे। ये देखिए इट्स शोइंग। ओके, यहाँ से सेफ चेंजेस कर देंगे, करने के बाद में यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ओके, सो देखिए अभी हमारा पोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत दिन के बाद वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी बाकी है दोस्तों, इसीलिए छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें आ रही है। इस पर मैंने 2-3 महीना पहले ही वीडियो वेबसाइट बनाया था, तो उसके बाद यूज़ करना मैंने छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, सो शायद इसीलिए ही ये देखिए टैग्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें ये टैग्स भी नहीं चाहिए, ये भी यहाँ से हटा दूँगा। ओके, सो इसे हटाने के लिए फिर हम चलेंगे कस्टमाइज़ पर। कस्टमाइज पे जाने के बाद में होम पेज सेटिंग में जाएंगे। होम पेज सेटिंग में जाने के बाद में सॉरी नॉट दिस वन। ओके, कॉन्टेंट ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे डिस्प्ले टैक्स, इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। डिस्प्ले ऑर्डर रहने देंगे, डिस्प्ले कैटेगरीज इसको भी ऑफ़ कर देंगे। डिस्प्ले डेट इसको रहने देते हैं, डिस्प्ले ऑन साइन पोस्ट इसको सबको ऑन ही रहने देते हैं। फिर यहाँ से सिर्फ चेंजेस कर देते हैं, फिर यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। सो अब देखते हैं हमारा यहाँ से टैग्स जो है वो डिलीट हुआ कि नहीं। हाँ, यहाँ से हो चुका है, देखिए अभी भी लोडिंग हो रहा है। सो हमारे यहाँ से टैग्स भी हट चुका है दोस्तों। ठीक है, फिर इसे यहाँ रिफ्रेश करूँगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, इसीलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने वीडियो के नोटिफिकेशन है अपलोड करते आपको मिलते रहेंगे। आपको ऐसे टेक्निकली हेल्प चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कोशिश करूँगा आप लोगों के जितने भी टेक्निकल सोल्यूशंस है उसका सोल्यूशंस क्वेश्चंस के आंसर देने का। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हुआ दोस्तों, तो क्या होगा, मैं जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज मनु रेसा का टेक्निकल ट्रैक चेकिंग आउट।